स्वागत है आपका टेक्नो व्लॉगी में। मैं ऋषभ पारिक और मैं लेके चलूंगा आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, समय हो चुका है टेक न्यूज का। बहुत दिनों से आपने टेक न्यूज नहीं देखी। आप में से कुछ लोग हैं जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, कमेंट आते हैं जिनके, थैंक यू सो मच। आप दो तीन लोग हैं जो बहुत रेगुलरिटी से मतलब वीडियोस देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और आप ही लोगों के लिए है ये वीडियोस। शुरू करते हैं टेक न्यूज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज पूरे दिन में क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ टेक वर्ल्ड में। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग न्यूज है एप्पल के बारे में। एप्पल ने लॉन्च किया है अपना होम पोड स्मार्ट स्पीकर 20,000 रुपए में। और गौरतलब बात यह है कि वो इंडिया में लॉन्च किया है, हमारे लिए अवेलेबल है एप्पल का ये स्पीकर। तो एंजॉय कीजिए अगर आप एप्पल के दीवाने हैं, बहुत सारे पैसे आपके पास, लैम्बोर्गिनी है। Just kidding. अगली न्यूज है OnePlus के बारे में। तो OnePlus इस साल अपना OnePlus 8 Pro लेकर आने वाला है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि OnePlus का अब तक का सबसे खूबसूरत स्मार्टफोन OnePlus 8 Pro होगा। इसकी डिजाइन वाइज और इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें होगा Qualcomm Snapdragon 865 SoC। Oh my God! तो यहां बेहतरीन स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाला है OnePlus की तरफ से। और जैसे कि OnePlus का नए स्मार्टफोन्स आए हैं, तो पुराने वाले स्मार्टफोन्स की जो प्राइस है वो कम कर दी गई है। तो जो OnePlus 7T Pro है ना, उसकी कीमत 7,000 रुपए नीचे आ चुके हैं। आपको काफी मतलब उससे भी ऊपर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा OnePlus के कुछ स्मार्टफोन्स के ऊपर। ओके, तो कुछ दिनों से Realme के बारे में हमने बात नहीं की है। और Realme, जैसा कि आपको पता है, Xiaomi और Realme की ट्वीट वॉर चल रही है। Xiaomi वाले उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, Realme वाले इन्हें बुरा भला कह रहे हैं। तो बहुत मतलब तगड़ा चल रहा है इनका रिलेशनशिप स्टेटस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। लेकिन इसी दौरान, इसी बीच में Realme अपने Realme C सीरीज वाले स्मार्टफोन के बारे में कुछ रिवील किया है। हो सकता है कि Realme C 3S जल्द ही लॉन्च कर दिया जाए। अगर आपको नहीं पता तो Realme की जो अफोर्डेबल सीरीज है, मतलब एकदम स्टार्टिंग रेंज, बजट सेगमेंट की स्टार्टिंग रेंज में 7,000-8,000 रुपए वाले स्मार्टफोन C सीरीज के नाम से आते हैं। और Realme ने इस सेगमेंट में बहुत धूम मचाई हुई है पहले से, और एक बार फिर से धूम की गाड़ी का पहिया घुमाने Realme C 3S आने वाला है मार्केट में। तो अगर आपने मेरी बात पर पिछले समय में ध्यान किया हो, तो मैंने आपको बताया था कि पोको Xiaomi से अलग हो चुका है, उनका पवित्र रिश्ता टूट चुका है और अब वो अलग अलग कंपनीज है। पोको खुद को एक कंपनी बना चुका है और ही इज रेडी टू ड्रॉप बॉम्ब्स। नया स्मार्टफोन आने वाला है पोको X2। और पोको X2 के बारे में फ्लिपकार्ट के ऊपर चर्चाएं शुरू हो चुके हैं। इसमें होगी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और बहुत स्मूथ होती है 120 हर्ट्ज, मतलब बहुत ही स्मूथ, ऐसे उंगली रखोगे तो ऐसे फिसल फिसल के जाएगी। जोक असाइड, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस होता है 120 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले का, तो पोको में वो आने वाली है। और लार्जर बैटरी आने वाली है। और पोको की जो स्टार्टिंग रेंज है, प्राइस, वो हो सकती है 17,000 रुपए। तो आपकी बिना जेब ढीली किए आप नया फोन ले सकते हैं। ओके, तो इंडियन रेलवेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंडियन रेलवेज को मैं इस न्यूज में इंक्लूड क्यों कर रहा हूं, ये तो आप सोच ही रहे होंगे। तो न्यूज ये है कि इंडियन रेलवेज में भी फेस रिकॉग्निशन वाला जो फीचर है वो ऐड किया जाएगा कई स्टेशंस के ऊपर, चाहे वो आपको टिकट कंफर्म या बुक कराने हो या फिर मतलब और इससे रिलेटेड चीजें हैं, वो एक्सप्लोर की जाएगी। फेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इंडियन रेलवेज करेगा। तो ये कमाल की बात है कि हम अत्याधुनिक तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के बारे में मोटोरोला ने क्लियर कर दिया है कि मोटोरोला लॉन्च करने जा रहा है अपना सबसे महंगा यानी फ्लैगशिप डिवाइस MWC में, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, जो कि होगा इसी साल बार्सिलोना में। और उसके बारे में भी मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज बताऊंगा, तो वो आप देखना बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि मैंने CES 2020 के बारे में बताया था।
ये एक ऐसी न्यूज है जो न्यूज में ही रहती है, व्हाट्सएप डार्क मोड। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप डार्क मोड बीटा वर्जन में आ चुका है और ये जो हमारे जो फोन के जो नॉर्मल वर्जन है गूगल प्ले स्टोर पर, उसके लिए जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। व्हाट्सएप में आपको डार्क मोड देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर। जी हाँ, ओके। और अब हमारी सबसे आखिरी न्यूज, और मतलब इंटरेस्टिंग न्यूज भी है, सैमसंग का जो Z Flip स्मार्टफोन है, अनदर फोल्डिंग स्मार्टफोन जो कि लॉन्च होने वाला है, उसके कुछ कलर्स निकल गए हैं सामने, और ये पर्पल और पिंक जैसा कलर भी निकल कर आया है जो कि काफी चर्चा में बना हुआ है, लोग इसके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। तो पिंक कलर सबको पसंद आया होगा, पर्पल पिंक, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर कलर। सो आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं हूं ऋषभ पारिक और दिस इज टेक्नो व्लॉगी। हम ऐसा ही कंटेंट क्रिएट करते हैं जो कि टेक्निकल चीजों से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑटो एक्सपो से रिलेटेड हो, कार से रिलेटेड हो, या फिर मोटिवेशन से रिलेटेड हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वी आर ट्राइंग टू ग्रो। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ध्यान रखना अपना, ठंडा लग जाए, ओले पड़े, ओह माय गॉड, पुलिस।